सबको धन्यवाद अर्पित कर रहा हूँ। हिंदी उर्दू को लेकर उनके बीच के जो संबंध है और प्रगतिशीलता प्रयोगशीलता के बीच का जो काव्य सृजन है शमशेर जी का, उनको लेकर बहुत विस्तार ढंग से सबने अपने भाषण में प्रस्तावित किए थे। अभी हमारे गुरु जी डॉक्टर दिलीप सिंह जी शमशेर की काव्य भाषा को लेकर अपने वक्तव्य हमारे सामने रखने लिए आ रहे हैं। इस सत्र के अध्यक्ष भाई प्रोफेसर सत्यकाम जी, मंचासीन प्रपत्र पाठक गण, मैं तीसरी बार आज सुबह से आपके सामने हूँ। आपके धीरज की मैं दाद देता हूँ और आपको धन्यवाद भी देता हूँ। और प्रोफेसर कट्टीमणि जी से गुजारिश करता हूँ कि कल मुझे थोड़ा मुक्त रखेंगे। बहुत सामान्य बातें। पहली तो ये कि भाषा के स्तर पर शमशेर का पाठ विश्लेषण सबसे कठिन काम है। मैंने एक दो बार कोशिश की, फिर कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया कि पहले उनके पाठों की संरचना के पीछे जो उनके भाव हैं, जो उनकी मानसिकता है, उसे पकड़ना होगा। बहुत से ऐसे कवि हैं कि जिनके टेक्स्ट को आप टेक्स्ट की तरह एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन शमशेर वैसे नहीं है। जिन चीजों से एक पाठ विश्लेषक बचता है, पाठक की मानसिकता या उसकी भावना, उसके बिना शमशेर का पाठ विश्लेषण नहीं होगा। अभी जो कुछ मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये उनकी भाषाई क्षमता पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयत्न है, क्योंकि ये काम भी शमशेर के लिए बहुत विस्तार से करना होगा हमें। मैं एक बहुत ही सुबह से बात हो रही है जो उनके भाषिक संदर्भ का एक सूत्र है और जो उर्दू लिटरेचर में प्रेम है, जो हिंदी लिटरेचर में भी प्रेम है। और जो सच के पक्ष में है, मैं तो न जानूं हिंदी की उर्दू, प्रेम की बानी साची है साची। उन्होंने चाहे हिंदी में लिखा हो चाहे उर्दू में लिखा हो, वो ये जान के लिखते हैं कि उनकी वाणी में प्रेम और सत्य का स्थान होना चाहिए। इसीलिए उनकी मानसिकता उनकी रचनाओं के साथ है। आंतरिक लय कई जगह भाषा के स्तर पर शमशेर में हिंदवी की है, कहीं तो उर्दू की है, लेकिन बहुत से ऐसे नज़में हैं, गज़लें हैं, यहाँ तक कि जो हिंदी की कुछ कविताएं हैं उनमें भी हिंदवी वाला लय है, जो कि इन जो मैंने अभी आपके सामने पंक्ति दी उसमें भी है। मैं तो न जानूं हिंदी की उर्दू, प्रेम की बानी साची है साची। ये अगर आप हिंदवी का देखें कि मैं तूती हूँ, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, ये इस तरह की जो एक संरचना है वो शमशेर के यहाँ है। तो ये निष्कर्ष के रूप में मैं कहूं कि उनका जो काव्य सत्य है वही उनकी भाषा की बनावट और बनावट की पहली कसौटी है। इस ओर हमें उनको उनकी भाषा को देखते समय ध्यान रखना चाहिए। एक जो बात इससे भी खास है और किसी भी गहरे गंभीर कवि के लिए बड़ी ज़रूरी होती है कि उनकी काव्य भाषा बहुत लचीली
और संकेतार्थक है। भाषा विज्ञान में भाषा के लचीलेपन पर बहुत बात है, अभी हिंदी उर्दू हिंदुस्तानी की हम बात कर रहे थे, और संकेत धर्मी है। साइन पर भी बहुत सी बातें हम लोग भाषा विज्ञान में करते हैं, उस लिहाज से भी हम कोशिश कर रहे हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से, कि इन दोनों विशेषताओं को जो शमशेर की कविता में, या ये कहें कि शमशेर की कविता को ये दोनों चीज़ें कविता बनाती हैं, उसका लचीलापन और उसकी संकेत धर्मिता। एक बात मैं यहाँ अब इसी से जोड़कर दूसरा सप्तक के उनके एक वक्तव्य से कहूँगा, जिसे उन्होंने अपनी रचना प्रक्रिया के संबंध में कहा, और अनुभूति को यहाँ महत्व दिया है, जिसे मैं मानसिकता या भावना कह रहा हूँ। रचना प्रक्रिया के क्षण भाषा की खोज के क्षण होते हैं, अनुभूति के अनुकूल भाषा। कविता का कविता होना या न होना दोनों ही भाषा की खोज पूरी होने या अधूरी रह जाने पर निर्भर करता है। इसीलिए आपको जो बहुत उनकी प्रयोगशील कविताएं हैं वहां तो कहीं आपको झोल मिल सकता है, और वो बड़ा जरूरी है, शायद उन्होंने उसको भी जानबूझ के बनाया हो, लेकिन बाकी कहीं आपको अधूरापन भाषा के स्तर पर नहीं मिलता। कुछ लाइनें पेश हैं, तुमसे बातें रात भर करता रहा, ये न समझा दिल कोई मेहमान है, ये एक तरीका है। और दूसरा देखिए, मैं आगे बात करूंगा कि शमशेर में क्रियाओं के प्रति बड़ी संवेदना है, और ये आप मान लीजिए कि किसी भी बात को कहने में या व्याकरण में भी क्रिया का केंद्रीय स्थान होता है, जगह होती है। इस दृष्टि से इन दो पंक्तियों को देखिए, मैं यहां तक भूल जाया जा सकूं, एक आंसू में गिराया जा सकूं, तुम न ऐसी ख्वाब सी बातें करो, मैं भला तुमसे निभाया जा सकूं। क्या क्या पाठ विश्लेषण करेंगे आप, बड़ा कठिन है वर्ब का जो पाठ है। दूसरा देखिए, ये तो ये एक अलग तरह की अनुभूति का अलग भाषिक रूपांतरण है। दिल यूं ही सुलगता है मेरा, दिल के साथ सुलगना को देख लीजिए, फूकता है यूं ही मेरा जिगर, फूकने के साथ जिगर को भी देख लीजिए, तलछट की अभी तू रहने दे, तलछट को भी देख लीजिए, फूकता है यूं ही सब आग न ढाल एकाएक, तलछट की अभी तू रहने दे सब आग न ढाल एकाएक। ये जो एकाएक है, और ऐसे भाषिक सौंदर्य कहिए, शब्दों की सजावट कहिए, भावों का उफान कहिए, शमशेर में भरा हुआ है, जिसके लिए हमें एक अलग पाठ विश्लेषण का शास्त्र शायद रचना पड़े। जो उनका चित्रकार है, शोभा विज, उनके चित्रकार की बात हो रही थी, उसकी वजह से उनकी कविताओं में ढेरों चाक्षुष बिंब आए हैं, लेकिन वो शमशेर के अपने हैं। एक उदाहरण दूंगा, मैं बहुत कम उदाहरण देके जल्दी आगे बढ़ूंगा। मैं इस तरह मुस्कुराया जैसे शायद पानी में डूबते पहाड़ गमगीन मुस्कुराते हैं। इस बिंब को देखिए आप, जैसे शाम के पानी में डूबते पहाड़ गमगीन मुस्कुराते हैं, मैं इस तरह मुस्कुराया जैसे। अंतराल एक खास विशेषता है शमशेर की, शायद और किसी कवि में आपको न मिले, वो शब्दों को पंक्तियों को अलग 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 करके रखते हैं। उसमें केवल लयकारी के लिए वो नहीं है, वो अर्थ की सघनता और अर्थ को ज्यादा सफाई से पहुंचाने के लिए है। ओ युग, बीच में अंतराल, आ मुझे और, फिर अंतराल, लिए चल, फिर अंतराल, जरा और, ये अलग अलग पंक्तियों में है। एक है कि अफसोस
और अफसोस के बाद बहुत सारी जगह हम तुम्हें समझ न सके। अफसोस के बाद जो एक ठहराव है उस अफसोस का, जो उसका बहुत एक निरंतर उसकी ग्लानी है, दुख है, जो भी आप कहिए, चिकनी अलग चांदी अलग सी माटी अलग, चिकनी चांदी सी माटी, वह देह अलग, धूप में अलग, गीली अलग, अगली लाइन में लेटी है अलग, हस्ती सी अलग। एक बार आपके लिए मिला के पढ़ूंगा, चिकनी चांदी सी माटी, वह देह धूप में गीली, लेटी है हस्ती सी। आप अगर इसे एक एक करके देखें तो अर्थ की जो सघनता है वो बढ़ती चली जाती है। ये अंतराल बहुत कम है, कुछ जगह उन्होंने अति भी इसकी की है, जैसे परछाइयाँ शब्द को ही उन्होंने परछाइयाँ, वहाँ कोई अर्थ बहुत नहीं हमें लगता है, मिजाज या नाटक या तुमने या पीड़ा या सचमुच। ये जरूर है कि आपको जो पढ़ने के बीच में आप एक अंतराल लेते हैं वो तो बनता है, लेकिन उससे अर्थ में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आता। लेकिन बाकी जो पंक्तियाँ मैंने अब आपको दी उनमें ये फ़र्क बहुत ख़ास तरह से हम महसूस करते हैं। विराम चिन्ह की बात मैंने शुरू में भी की, तो इसमें बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक तक का बहुत प्रयोग है, कोलन का प्रयोग है, डैश का प्रयोग है, तीन बिंदुओं का प्रयोग है, और ये भी हमें बहुत कम कवियों में मिलता है, जबकि शमशेर में ये अक्सर मिलता है। मैं उनके जो भाषा की एक पूरे 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 काव्य संसार को देख के एक ढांचा बना पा रहा हूँ, वो है एक तो उनकी प्रयोगवादी प्रवृत्ति, जिसकी अंतराल के संबंध में हम चर्चा कर सकते हैं, विराम चिन्हों के संदर्भ में कर सकते हैं, दूसरा एकालाप है, तीसरा शब्दों की जो मितव्ययिता है, बहुत कम शब्द वो खर्च करते हैं, बिंबों की रचना है, अभी हमने आपको चाक्षुष बिंब का एक उदाहरण दिया, अनुलरात्मक ध्वनि चित्र हैं, ये बहुत अच्छे शमशेर में है। एक दो उदाहरण मैं आपको दूंगा, संकेत धर्मिता की बात मैंने आपसे की, नाटकीयता की मैंने सुबह आपसे बात की थी, प्रकृति की गतमयता भी शमशेर में एक अलग तरह से है, और अभी मैंने आपसे कहा शब्दों और पंक्तियों का अंतराल, ये कुल मिलाकर शमशेर की काव्य भाषा का एक ढांचा बनाता है। ये अपने में मैं इसे पूरा तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर इसे हम कहीं सबको शामिल करें तो शमशेर की बहुत सी रचनाओं के मर्म तक हम पहुँच सकते हैं। अनुरणन जो है उसका एक दो उदाहरण देखें, खसर खसर एक चिकनाहट हवा में मक्खन सा घोलती है, धूप नामक उनकी कविता है। संकेत धर्मिता, लौटा ओ फूल की पंखड़ी फिर फूल में लग जा, लौटा, देखिए इसकी 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 जो सिग्निफिकेशन जिसको हम लोग कहते हैं, लौटा ओ फूल की पंखड़ी फिर धूल में फूल में लग जा। प्रकृति की गतमयता के तो अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, मैंने सुबह भी आपको राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है का उदाहरण दिया था, ये मुझे सबसे अच्छा ये प्रकृति का डायनेमिक रूप दिखाई दिया। इसमें प्रकाश शुरू होने से लेकर, बल्कि कहिए जब अंधेरा है तब से लेकर और एक पूरी तरह धूप के आने तक के की जो गति है उसे बड़े ही सुंदर ढंग से दिखाया गया है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, जब एक हल्का सा प्रकाश है तब के लिए है, नील जल में और जो ये हिल रही हो, यही ये हर जगह आता है जहां की आपको गति का उसके पता चलता है। जैसे मैंने मानसिक परिवेश की बात की, वैसे ही भाषा के स्तर पर माहौल या परिवेश का प्रत्यक्षीकरण भी शमशेर कराते हैं। इन्हें इतने पास अपने खींचता रहा हूं, ये उनका कोट है, इन्हें इतने पास अपने मैं खींचता रहा हूं कि मेरा अंदरूनी व्यक्तित्व अपने अक्ष को उसमें उतारने से बाज नहीं रख सका।
ये दूसरा सप्तक की का जो उनका वक्तव्य है, इन्हें इतने पास, किन्हें? परिवेश, माहौल, मानसिकता आदि को इन्हें इतने पास अपने खींचता रहा हूं कि मेरा अंदरूनी व्यक्तित्व अपने अक्स को उसमें उतारने से बाज नहीं रख सका। ये जो मजबूरी है, ये जो विवशता है, यही तो कवि को कवि बनाती है, सर्जक को सर्जक बनाती है। न हो तो क्या मिट्टी, जान तो वो विवशता ही फूंकती है। एक चीज इसमें, मैं सुबह में बात कर रहा था सूफियाना ढब की, सांप्रदायिक सौहार्द की भी बहुत बात हुई इस पर, तो शमशेर की दो चार लंबी कविताएं भी हैं, लेकिन दो लाइनें ये देखिए। सूफियाना इसका जो एक स्वर है प्रेम का, वो भी देखिए। धर्म तिजारत पेशा था जो वही हमें ले डूबा है, धर्म तिजारत पेशा था जो वही हमें ले डूबा है, बीच भंवर सौदे में यह एक खंजरी क्यों बाकी है। खंजरी, धर्म तिजारत पेशा था जो वही हमें ले डूबा है, बीच भंवर के सौदे में यह एक खंजरी क्यों बाकी है। और मैं सुबह भी आपसे कह रहा था कि लोक भाषा कम है, लेकिन जब आई है शमशेर में तो बड़े अलग से शेड लेके आई है। देखिए, दादा की गोद में पोता बैठा, महबूबा महबूबा गाए, दादी बैठी मूड हिलाए, हम किस जुग में आए गए। आए गए को भी देखिए, मैं क्रिया की बात इसीलिए मैंने आपसे उठाई, फिर से पढ़ता हूं। दादा की गोद में पोता बैठा, महबूबा महबूबा गाए, दादी बैठी मूड हिलाए, हम किस जुग में आए गए। ये जो परिवर्तन के, ये पूरा एक बहुत बड़ी लंबी कविता है, उसमें परिवर्तन का एक पक्ष ये भी, और ऐसे तीन उसमें छंद हैं जो लोक बोली के रंग में रंगे हुए हैं। उर्दू बहुत हम लोग बात कर रहे हैं, शब्द ही नहीं, पूरी परंपरा, पूरा भाषिक विधान शमशेर के पास है उर्दू का। वे केवल उर्दू शब्दों का ही प्रयोग नहीं करते, जैसे समुद्र के लिए उन्होंने बहरी का प्रयोग किया, और ऐसे सैकड़ों शब्द हैं। सिफारत खाना शब्द का प्रयोग किया है दूतावास के लिए, ऐसे सैकड़ों शब्द हैं। और जो जो समास बनता है पर्शियन का, उसका भी, हद्द पाकिस्तान, परचम इस्लाम, अहद पैमा, बहरे जंग, इस तरह के भी आपको सैकड़ों मिलते हैं। और जब उस रवानी में उनकी रचना के ये सब आते हैं तो आपको बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देते हैं। भाषा प्रयोग बहुत से हैं, लेकिन एक कविता उनकी भाषा प्रयोग की दृष्टि से बहुत ही अजीब सी है। वो रघुवीर सहाय पर लिखी गई है, उनके 50 साल पूरा करने पर। रस कविता का शीर्षक है, रस रघुवीर सहाय, एक हाफ सेंचुरी, और ब्रैकेट में है, और बैटिंग जारी। और इसके बाद वो एक अजीब सी कविता है, उसमें कुछ संवाद भी है, कुछ गद्य भी है, कुछ पता नहीं क्या क्या है, और कम से कम 5-7 पृष्ठ की कविता है। उनकी अगर ये प्रायोगिकता देखनी हो लैंग्वेज के लेवल पर, तो इस तरह की 2-4 कविताएं हैं। और मुझे लगता है कि ये जो कविता रघुवीर सहाय पर है, उनके 50 साल पूरे करने पर, वो एक अद्भुत भाषा प्रयोग का एक पाठ है। उसे हमें ज़रूर कभी मौका मिले तो उसको देख लेना चाहिए। सुबह भी बात हुई, बड़ी क्वाइट टोन है, बड़ा शांत स्निग्ध सा माहौल उनकी भाषा का है। ऐसा इसलिए मुझे लगता है कि शैली का जो संयम उनके पास है, वो सिर्फ उनके पास है, चाहे वो उर्दू शैली हो, चाहे हिंदी शैली हो, चाहे हिंदुस्तानी शैली हो, चाहे कहन की शैली हो, चाहे एकालाप की शैली हो, इस सब का एक लगता है कि हाँ, एक इस आदमी का भाषा के ऊपर पक्का नियंत्रण है।
कई जगह और जहां खास मौके हैं वहां स्पष्टता भी है, बिल्कुल साफ। क्रिया पर जो नियंत्रण है उसमें एक मैं लोभ नहीं संवरण कर पा रहा हूं, यह भी लंबी कविता है, नागार्जुन पर है ये। इसमें केवल आप क्रियाओं के रूप देख लें, और ऐसी कई कविताएं हैं जिनमें क्रियाओं के, लेकिन इसमें आपका जो 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 भाषा का खिलंदड़ापन है, जो जो शमशेर में बहुत कम दिखाई देता है, वो इसमें दिखाई देता है। शायद बाबा की आत्मा उनके अंदर प्रवेश कर गई थी। शीर्षक है इसका, बाबा हमारे नागार्जुन बाबा। मैंने 20 से एक हिस्सा ले लिया है। कभी बिगुल बजाते, क्रियाओं पर ध्यान दीजिए, तो कभी चिमटा, कभी बच्चों को हंसाते तो कभी जवानों को रिझाते, और बूढ़ों की आंखों में मस्ती लाते। गीतों के दस्तरखान बिछाए, कविताओं के जाम चढ़ाए, अभावों की गहरी छाने। आप देखिए, ये केवल क्रियाएं नहीं है, ये क्रियाओं पर नियंत्रण है। मैं फिर से पढ़ता हूं, कभी बिगुल बजाते तो कभी चिमटा, कभी बच्चों को हंसाते तो कभी जवानों को रिझाते, और बूढ़ों की आंखों में मस्ती लाते। गीतों के दस्तरखान बिछाए, कविताओं के जाम चढ़ाए, अभावों की गहरी छाने, बेफिक्र नाचते हुए अद्भुत स्वांग बनाए, आए मेरे बाबा अली बाबा नागार्जुन। इतनी जबरदस्त यह कविता है, पूरी 3 पृष्ठों की, हश हश करने लगे। ये जो ताकत, ये बहुत कम कवियों के पास है, ये कहने में मुझे बिल्कुल कोई संकोच नहीं है। अंत में दो मैं आपके सामने चीजें रखूंगा, एक जो उनकी प्रगतिशीलता है उसके चलते, एक कविता उनकी बैल है, शाम के अपनी सुबह के बंधे हुए चारे के लिए, उसी उससे मीठी, उससे नमकीन और प्यारी चीज दुनिया में और कोई है क्या, चारे से। या रात की ठहरी हुई बहुत गहराई से बोलती हुई क्रियाएं, यहां भी देख सकते हैं आप, चुपचाप बोलती हुई, दम साधे आंखें नीचे हवा में, मासूम कच्ची सी खुशबू नसों के तनावों से खींचते हुए भी, जैसे मैं सो जाता हूं, थकन के बाद की स्थिति है। पुट्ठों को श्लथ कर देने वाला श्रम, वो मुझसे मेरी मूक भाषा में अच्छी तरह बात करता है, मुझे वो इस तरह निचोड़ता है जैसे घानी में एक एक बीज कस कर दबा कर पेरा जाता है। यह सारी दुनिया मुझे बैल मालूम होती है, आखिर की पंक्तियां है। और एक विशेषता शमशेर की और है, जिसको मैंने कहा ध्वनियों का प्रयोग, यहां वो उन्होंने बां बां बां, ये कविता का अंत है। ये जो मैंने आपके सामने थोड़े से उनके भाषिक वैशिष्ट्य के पक्ष रखे, तो शमशेर मुझे लगता है कि जो उनकी एक पूरी कविता है ये, तो इसमें उनका जो भाषा सजग कवि है वो इन पंक्तियों में भी शायद कहीं प्रतिबिंबित है। ये ज़रूर है कि इसका हमें उस दृष्टि से भी पाठ करना होगा। कवि घंघोल देता है, व्यक्तियों के जल हिला मिला देता है, कई दर्पणों के जल जिसका दर्शन हमें शांत कर देता है, और गंभीर अंत में। नमस्कार।